नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप का शनि त्यान स्तनवा शंत मया अग्नि शंता विचारी। पावन पर्व, पावन मास और पावन महीने के इसी रूप को देखते हुए जीवन में पावनता तभी आती है जब आपके जीवन से कष्ट और विशेष रूप से शोक दूर हो। शोक दूर करने के कई उपाय होते हैं, लेकिन आज अगर जो हम चर्चा करेंगे तो वो वास्तु शास्त्र की चर्चा करेंगे। जहाँ पे आप रहते हैं कुंडली से भी अधिक कभी कभी माने रखता है वास्तु दोष मुक्ति होना जरूरी होता है। तो जैसे अशोक का पेड़ है शोक को दूर कर देता है, जैसे पूजा पाठ मांगलिक कार्यों में अशोक के वृक्ष की बड़ी यूज इस्तेमाल होता है। पति पत्नी के बीच में तनाव हो तो भी अशोक का वृक्ष, उसमें भी देखा गया है। ये केवल और केवल औषधीय ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी, जैसे घर के आंगन में दहलीज इत्यादि पर अशोक का वृक्ष हो तो उस घर में शोक आ नहीं सकता। अगर घर के बाहर आपके अशोक का कोई वृक्ष या प्लांट भी लगा हो, शादी में विलंब हो रहा हो तो अशोक के पत्तों को पानी में डाल के स्नान करने से देखा गया है कई प्रकार के मांगलिक या शादी ना होने के जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। और वास्तु दोष दूर तो करता ही है अशोक का वृक्ष अगर आप बाउंड्री पे लगाते हैं। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आपको थोड़ा सा तनाव अभी दिख रहा है और तनाव का भी कुछ कारण ये भी रहेगा कि आपके पास संयम की कुछ कमी, लेकिन संयम से जीवन में आपके तनाव दूर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बाहरी स्थानों से संपर्क आपका अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप संबंधी आपके तनाव दूर होंगे। अशोक का वृक्ष जरूर आज आप लगाएं किसी भी जगह, आपको लाभ होगा। गुलाबी रंग 5 का और 6 का अंक शुभ है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज आपको थोड़ा सा अपनी हठ धर्मिता इसको दूर करना पड़ेगा। टारगेट आपका बड़ा है लेकिन टारगेट वो पूरा अवश्य होगा। आपको अच्छी न्यूज भी मिल सकती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। छोटा सा उपाय, लाल रंग 19 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, जिन समस्याओं का आप हल ढूंढ रहे हैं वो धीरे धीरे करके सुलझ सकती हैं। वास्तु इत्यादि से संबंधित चीज़ों को आज आप कोशिश करें अपने घर की या अपने दफ्तर की ठीक करने की कोशिश करें। जीवन में जो बदलाव चाहते हैं आज आपको प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। काम संबंधी एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त जरूर होंगे। बस क्या करिएगा, आपको बहुत ही लॉजिकली सोचना है। हरा वस्त्र और हरी कोई चीज़, शाक सब्जी इत्यादि भी चौपाई को दे सकते हैं। हरा और पीच कलर शुभ है 6 का। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके आध्यात्मिक रुचि और विशेष रूप से ज्ञान से संबंध बातें, कुछ बातें होती हैं स्थिर रूप से काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं, वही ट्रेंड आपका कंटिन्यू करता रहता है। जैसे दूरदेश की यात्रा का, कार विस्तार की योजना का, क्या करना है आपको, कोई चांदी का या चांदी के पात्र से आपको आज शिवार्चन करना चाहिए। आसमानी 3 का शुभ है। बात करते हैं अब इसके बाद कर्क राशि के बाद सिंह राशि के। सिंह राशि वालों, आज आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ सकता है। पुराने उलझे हुए कार्य आज आपके जरूर सुलझ जाएंगे और कोई बड़ा काम ऐसा आपको आपके लिए होगा जो आपको काफ़ी शांति देगा। पराक्रम से लाभ होगा, सम्मान भी आपको बड़ा चढ़ा प्राप्त हो रहा है। क्या करना है, भगवान सूर्य की आदि देव नमस्तुभ्यम प्रार्थना करिए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लाल केसरिया रंग 5 का अंक शुभ। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सलाह से लाभ आपको हो सकता है। किसी से कंसल्टेंसी सर्विसेज आप लेके लाभान्वित हो सकते हैं। कोई निवेश करना चाह रहे हैं या नौकरी को बदलना चाह रहे हैं तो भी आपको विशेष रूप से सलाहकारी काम आएगी।
लेकिन जोखिम ना उठाएं भी, गौ सेवा करते रहें लगातार आपको बहुत ही अच्छा उपाय है। सी ग्रीन तीन का अंक शुभ। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, सम्मान में आपके वृद्धि और दशम भाव में आपके बुध का प्रभाव लाभ प्राप्त करने का उत्तम समय। अपने कार्य क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, यात्रा से भी आप लाभ ले सकते हैं, नए रोजगार को आप स्वयं से सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहन को, बड़ी बहन इत्यादि को या छोटी बहन को आप जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। नीला रंग तीन का अंक शुभ है आपके लिए। दो का भी आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, मान सम्मान में प्रतिष्ठा प्राप्ति का आपके अच्छे योग दिख रहे हैं। व्यापार में लाभकारी सौदे आपको जरूर प्राप्त होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। विद्यार्थी या जो कोई भी चीज़ लर्न सीख सकते हैं वो भी आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, धन अर्जित करेंगे, यात्रा हो सकती है। हनुमत कवच का पाठ करें, एक पाठ करें, उमंग हनुमते नमः, उसका जरूर ध्यान रखें। लाल एक काम शुभ है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये उपाय। धनु पे चलते हैं। धनु राशि वालों, जोखिम थोड़ा सा आप उठाना चाहिए आपको। जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क। आपके जो किए गए इन्वेस्टमेंट हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। विरोधी आपके परास्त होते हुए देखे जा रहे हैं। कार्य में मित्रों की मदद आपको अवश्य मिलेगी। तो धनु राशि वालों, शुभ कार्य, संतान की प्रगति, नवीन वस्त्र आप गुरुवार इत्यादि को या आज भी दे सकते हैं, लाभ है। हल्दी कलर नौ का अंक शुभ है। धनु राशि के बाद अब हम बात करेंगे क्रम से मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए देश विदेश बाहरी स्थानों से ज़्यादा लाभ, अपने स्थान से कम लाभ की स्थिति। मान सम्मान में वृद्धि बाहर से, यहाँ पे कम यानी अपने स्थान से। शुभ कार्य तो होंगे आपके, शुभ कार्यों का आप लाभ भी उठा सकते हैं। व्यापार में भी निवेश और उस निवेश से आपको बराबर लाभ होगा। गणेश जी की आराधना आज आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए आज का दिन सफ़ेद रंग और सात के अंक का है। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होती हुई देखी जा रही है। यानी कि आज आपको कुछ बल मिलेगा, आपकी जेब में भी कुछ एक्स्ट्रा धन रह सकता है, लेकिन विरोधियों से कुछ कष्ट आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। शुभ घटना भी घटित होगी साथ में, ये भी जरूरी है। विहगों को, पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें। राहु की कृपा अपार। आठ का अंक नीला रंग शुभ है। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, कार्य आपके रुके हुए संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। योजनाएं जो आपने बनाई थी वो धीरे धीरे लाभ की तरफ बढ़ रही हैं। रुका हुआ धन आपका वापस आता हुआ देखा जा रहा है। तो मीन राशि वालों, निवेश करना आप जारी रखें, आपके लिए निवेश का लाभकारी समय दिख रहा है। पीली वस्तु का दान करें और यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप द्रव्य का दान भी कर सकते हैं। तीन कांक पिंक कलर शुभ है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। हमारी सरकार